और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राजनीतिक नेताओं के साथ, विपक्ष के भी नेता को आप देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए, रामगोपाल यादव को आपने देखा इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अकाली दल से लेकर के LJP, कांग्रेस पार्टी, अलग अलग नेता मौजूद हैं। और देखिए 14 अप्रैल को क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, ऐसे में सभी नेताओं से बात करके, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर आगे क्या कदम उठाया जाए, ये इस वक्त भारत सरकार की, मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। इस वक्त सभी नेताओं के साथ बातचीत करते हुए अलग अलग पार्टियों के नेता, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, गुलाम नबी आजाद, चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, और इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कैबिनेट की भी बैठक हुई थी। और अब आप देख रहे, देखिए चाहे लखनऊ हो, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को आप देख रहे हैं, तो इस तरह से शिवसेना के संजय राउत को आपने देखा, तो अलग अलग नेता यहां पर मौजूद हैं, अकाली दल के नेता को अभी आप देख रहे हैं, DMK के नेता TR बालू तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग नेता, क्योंकि ये एक पिनाकी मिश्रा BJD से वो भी इस संवाद का हिस्सा है। और पूरी कोशिश प्रधानमंत्री की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से यही है कि अगले कुछ दिनों में जब लॉकडाउन की मियाद खत्म होगी तो उसके बाद किस राज्य की परिस्थिति क्या होगी। लॉकडाउन पर भी सभी राज्यों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, मंत्रियों का एक समूह भी इस पर विचार कर रहा है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग नेताओं से इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त की इस सबसे बड़ी खबर पर। अमिताभ, ये बहुत अहम बैठक है क्योंकि इस बैठक के माध्यम से देश में भी एक संदेश जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या राज्य सरकारें, सभी मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं। ये छुपा हुआ दुश्मन है नेहा, और छुपे हुए दुश्मन से लड़ाई के लिए सबका साथ जरूरी है, और पहले दिन से प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है कि हम सबको साथ मिलकर कोरोना से लड़ना है, और खासकर जब ऐसे समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनका संसद में प्रतिनिधित्व है। आप तृणमूल के कि जो नेता हैं आपने उनको देखा अभी अभी मंच पे, अब राजीव रंजन सिंह ललन है जो JDU के हैं, तमाम तृणमूल का शामिल होना भी ये दिखाता है कि तृणमूल को भी कितनी चिंता इस बात की, जो पहले नहीं आने के संकेत, बात न करने के संकेत दे रही थी, वो तमाम मुहिम में अब लग रहा है सरकार के साथ है इस लड़ाई में। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का संकेत और संदेश साफ है कि हम सबको फैसला लेना है, मिलजुल कर लेना है, सांसदों की सैलरी और जो उनके अलाउंसेज और MP LAD काटे गए हैं, जो रोके गए हैं उसके ऊपर भी इन सब की को राय लेनी है, अगर किसी की नाराजगी है तो क्यों नाराजगी, इसको भी दूर करना है। प्रधानमंत्री खुद सबकी बात सुन रहे हैं, उसको कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे अहम बात है लॉकडाउन पर तमाम पार्टियों की राय क्या है ये भी जानने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और नेहा, इससे भी सबसे अहम बात है, कल आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें 7-8-10 पॉइंटर्स आए थे कि ये चीज़ें हैं जिसको लेकर संतुष्टि है, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि ऐसे स्थान जैसे जो धार्मिक स्थल हों या फिर ऐसी जगहें जहां पर भीड़ जमा होती हो, इन सब जगहों की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए, तो वहां पर भीड़ न जमने दिया जाए। ये बात उस पूरे के पूरे 10 में बड़ी माने रखती है, यानी लॉकडाउन तो के लिए जो भी सरकार आगे मुहैया करा रही है रोजमर्रा की चीज़ें, उस पर संतुष्टि जाहिर की थी पूरे GOM ने, जो किसानों को कहा गया है कि फार्मिंग में जाने से रोका ना जाए इस पर भी संतुष्टि जाहिर की थी, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो भीड़ को रोकने को लेकर चिंता थी। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद की जो चिंता है वो यही है कि एक साथ कहीं पब्लिक सड़क पे ना आ जाए, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाने की बात ज़्यादातर कोई सांकेतिक रूप से कर रहा है, कोई सीधे तौर पे कर रहा है।
जी बिल्कुल अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो बात अमिताभ कह रहे हैं, इसीलिए तस्वीरें देखिए खास है, इसीलिए इस वक्त की ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर सीधे सीधे देश से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने एक पहल की है, कोई नेता ना छूटे, कोई राजनीतिक दल ना छूटे, सबके सुझावों का स्वागत है, वो चाहे आम हो या खास हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो। प्रधानमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी दलों के नेताओं से बात करते हुए इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर थाने में शादी की हो या सड़क पर योग की, बात ऑनलाइन पढ़ाई की हो या दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा की, लक्ष्मण रेखा टाइप बोले थे मोदी जी, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर पर है।